सो हेलो एवरीबडी, तो गाइस स्वागत है एक और बहुत ही अमेजिंग वीडियो में। सो गाइस आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिथबस्टर्स के बारे में और ये होने वाली है एपिसोड नंबर 8। भाई काफ़ी ज़्यादा एपिसोड्स करने वाला हूँ मैं और आपको बस ऐसे ही सपोर्ट दिखाना है ये सीरीज़ में। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो गाइस फटाफट से सब्सक्राइब कर दो एंड ऑल्सो लाइक भी कर देना अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है। तो गाइस गिव अवे चल रहा है चैनल पर, आपको मैं एंड ऑफ द वीडियो में बता दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना एंड वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। सो लेट्स गेट इन टू दी फर्स्ट वन। तो गाइस जो फर्स्ट वाला मिथ है वो है रेड स्पेल इज नॉट वर्किंग ऑन ट्रूप्स इन वार्डन एबिलिटी। तो गाइस क्या ऐसा होता है? गाइस मैंने कभी ऐसा ट्राई तो किया नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं एक बार। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूँ सिंगल प्लेयर में और यहाँ पर मेरे पास है वार्डन, जायंट और रेड स्पेल। तो गाइस यहाँ पर मैंने ड्रॉप कर दिया रेड स्पेल। सो गाइस तो ये जो बात है ये निकली है गलत, क्योंकि रेड स्पेल और वार्डन एबिलिटी जब एक साथ होती हैं और अगर हम लोग कोई ट्रूप डिप्लॉय करते हैं या करके रखते हैं तो गाइस ऐसा नहीं होता कि यार वो लोग एकदम ही स्लो डाउन ही रहेंगे जैसा उनका नॉर्मल स्पीड है, लेकिन गाइस वो रेज होते हैं। तो गाइस ये जो मिथ है ये हो चुका है बस्टेड। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड मिथ। सो गाइस जो सेकंड वाला मिथ है वो है द ट्रेडर इज वेयरिंग अ पार्टी हैट। तो गाइस चलो देखते हैं, क्योंकि मैंने नहीं देखा है, क्योंकि मैंने 3 दिन से मैच खेला ही नहीं है, गेम नहीं खेला है, ठीक है। तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ट्रेडर ने पहना हुआ है एक पार्टी हैट ड्यूरिंग द क्लैशिवर्सरी इवेंट। उसके बाद शायद से इसको हटा दिया जाएगा क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। सो गाइस दिस मिथ इज कन्फर्म्ड। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। तो गाइस जो थर्ड वाला मिथ है ना वो है ओनली 3 मैक्स लाइटिंग स्पेल इज रिक्वायर्ड टू टेक डाउन ए मैक्स एयर डिफेंस। तो गाइस चलो देखते हैं क्या ये सच है या नहीं। तो गाइस यहाँ पर मैं लेकर आ चुका हूँ एयर डिफेंस के लिए 3 मैक्स लाइटनिंग स्पेल और यहाँ पर मैं देखने वाला हूँ कि क्या सिर्फ 3 लाइटनिंग स्पेल से, वो भी पतली वाली लाइटनिंग स्पेल से, हम इस एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर पाते या नहीं। सो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा मैंने यहाँ पर तीनों के तीनों लाइटनिंग स्पेल को डिप्लॉय कर दिया है एंड ये जो एयर डिफेंस है ये हो चुका है एकदम तबाह। मतलब गाइस ये जो मिथ है ये हो चुकी है कन्फर्म। सो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ मिथ। तो गाइस यहाँ पर जो फोर्थ वाला मिथ है वो है लाइटनिंग स्पेल डिड नॉट अफेक्ट लेबोरेटरी। तो गाइस क्या ये सही है? देखो यार मुझे नहीं पता, ये चेक करने का एक ही रास्ता है कि हम खुद चेक करें इसे। चलो देखते हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लाइटनिंग स्पेल से भी लेबोरेटरी को अफेक्ट करता है, तो ये जो मिथ है गाइस ये टोटली बस्ट होती है। सो लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ मिथ। सो गाइस जो फिफ्थ वाला मिथ है वो है इफ वी अपग्रेड अ वॉल विद एलिक्सर देन द बिल्डर्स अपग्रेड्स लेफ्ट इट विल शो वॉल कॉस्ट इन एलिक्सर एंड इफ वी अपग्रेड विद गोल्ड देन इट विल शो वॉल कॉस्ट इन गोल्ड। तो गाइस इसका मतलब है जो हमारे पास वॉल्स होते हैं जिसको हम लोग दोनों ही गोल्ड और एलिक्सर दोनों से अपग्रेड कर सकते हैं, अगर वो वाले वॉल्स हमारे पास होते हैं तो गाइस वहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास अगर एलिक्सर का हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर अपग्रेड वॉल्स में वहाँ पर हमें एलिक्सर की चीज़ें नहीं दिखेंगी, गोल्ड के दिखेंगे। अगर हम लोग गोल्ड से चीज़ अपग्रेड कर रहे हैं बिल्डर से, कोई भी बिल्डिंग समझ लो जो भी है वहाँ पर, तो वहाँ पर हमें गाइस वॉल्स के ऊपर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हमें गोल्ड का अमाउंट नहीं दिखेगा। तो गाइस ये है इसका मतलब। तो चलो गाइस ये सही है या गलत हम लोग अभी टेस्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने एलिक्सर वाले कलेक्टर को यहाँ पर अपग्रेड पे लगा दिया है और यहाँ पर गाइस दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है मुझे, तो यहाँ पर मैं एक बार इसको फिनिश करके देखूँ तो अभी भी गाइस अवेलेबल है। एंड गाइस अगर मैं यहाँ पर बराक्स को लगाता हूँ तो फिर भी यहाँ पर दोनों ही अमाउंट्स अवेलेबल है। तो गाइस ये जो मिथ है ये टोटली बस्ट हो जाती है। सो लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ मिथ। तो गाइस जो सिक्स वाला मिथ है वो है इन प्रैक्टिस मैचेस ऑफ TH5 and 6 देर आर नो आर्मी कैंप्स। तो देखो मैं ज़्यादा प्रैक्टिस खेलता नहीं हूँ तो लेट्स सी, देखते हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये है TH5 का प्रैक्टिस मैच, तो यहाँ पर गाइस मुझे कहीं पर भी आर्मी कैंप नहीं दिख रही है।
तो गाइस ये जो मित्र ये 50% कंफर्म है एंड लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ वाले टाउन हॉल के बेस में, तो देखते हैं गाइस उसमें भी। तो गाइस जैसे कि आप लोग इसमें भी देख सकते हो, इसमें भी आर्मी कैंप अवेलेबल नहीं है। तो गाइस ये जो मित्र ये 100% कंफर्म हो चुकी है। मतलब यार क्या ही बताऊं, ऐसे ऐसे अमेजिंग मिथ्स है ना, मज़ा आ जाता है मुझे करने में भी और शायद से आपको देखने में भी। अगर आपको मज़ा आता है देखने में तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस लेट्स मूव ऑन टू द सेवेंथ वन। तो गाइस जो सेवेंथ वाला है वो है बैटल मशीन होल्ड्स हिज हैमर लेफ्ट हैंड व्हाइल बैटल मशीन स्टैच्यू होल्ड्स हैमर इन राइट हैंड। तो गाइस चलो देखते हैं क्या ये मिथ कन्फर्म होती है या बर्स्ट होती है। तो गाइस हम लोग यहाँ पर दोनों ही चीजों को साइड बाय साइड देख सकते हो। ये नहीं जा भाई इसको भगाओ। हाँ तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोनों ही चीजों को। तो यहाँ पर राइट साइड में इसका स्टैच्यू एंड लेफ्ट साइड में वो खुद बैठा है। तो गाइस यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो हैमर जो है ना वो बैटल मशीन के लेफ्ट हैंड साइड में, वाइल ये जो हमारा बैटल मशीन का स्टैच्यू है इसके राइट हैंड साइड में। तो गाइस ये जो मिथ है ये भी होती है कन्फर्म। सो लेट्स मूव ऑन टू द एट वन। सो गाइस जो एट वाला मिथ है वो है सुपरसेल इज अ चाइनीज कंपनी। तो गाइस ये मिथ कंफर्म है या नहीं अभी दिखाता हूँ आपको। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि सुपरसेल के विकिपीडिया में हमें ऐसा दिखता है कि टेंसेंट गेमिंग जो है, टेंसेंट जो कंपनी है वो 81% का शेयर्स रखती है अपने पास सुपरसेल का। और अगर हम लोग गूगल पे सर्च भी करें ना कि ओनर ऑफ सुपरसेल, तो हमें दिखेगा टेंसेंट गेमिंग, एक्चुअली टेंसेंट कंपनी। तो ये जो टेंसेंट है ये है एक चाइनीज कंपनी जो कि इनडायरेक्टली हमारे क्लैश ऑफ क्लैंस को, हमारे सुपरसेल को एक चाइनीज कंपनी बना देती है। लेकिन ओरिजिनली सुपरसेल इज अ फिनलैंड बेस्ड कंपनी जो कि फिनिश कंपनी है और वो गेम्स डेवलप करती है जस्ट लाइक क्लैश ऑफ क्लैंस, बूम बीच और भी तीन अलग अलग गेम्स, हेडे वगैरह। तो ये है इसका पूरा सीन। तो ये हम लोग कह सकते हैं अभी के टाइम पे कि सुपरसेल एक चाइनीज कंपनी है इनडायरेक्टली, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नाइन्थ मिथ। तो गाइस जो नाइन्थ वाला मिथ है वो है अपग्रेडिंग हीरोज इज डिफरेंट फ्रॉम अपग्रेडिंग बिल्डिंग्स। बिल्डर्स कीप अ पॉट ऑफ लावा नियर हीरो अल्टर एंड डिप हिज हैमर ड्यूरिंग हीरो अपग्रेड सेम इन बोथ विलेजेस। तो गाइस अभी हम लोग सिर्फ होम विलेज का टेस्ट करेंगे। अगर होम विलेज में ये कन्फर्म है तो भाई बिल्डर बेस में ऑब्वियसली कन्फर्म ही हो जाएगा, है ना। तो गाइस यहाँ पर मैंने यहाँ पर दो बिल्डिंगें रखी हैं, एक्चुअली एक बिल्डिंग रखी है और एक रखा है हीरो, एक्चुअली एक एलिक्सर कलेक्टर रखा है और दूसरा जो है हमारे पास हीरोज के सेक्शन में वो है रॉयल चैंपियन। तो गाइस अब हम लोग इन दोनों को ही अपग्रेड पे डालेंगे और देखेंगे क्या चेंजेस होते हैं, क्या हीरोज के ऑल्टर पे लावा पॉट होता है और जो हमारे बिल्डिंग्स होते हैं वो नॉर्मल होता है, चलो देखते हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो हीरो के ऑल्टर के ऊपर हमें दो चीज़ें एक्स्ट्रा देखने को मिलती है और वहीं पर अगर हम लोग बिल्डिंग को देखें, कोई भी बिल्डिंग ले लो, उसमें हमें सिर्फ सीन डू नॉट क्रॉस वाले वुड और रोप मिलते हैं जो कि लगे हुए हैं। तो गाइस ये है कुछ डिफरेंस इन दोनों ही कामों में, एक बिल्डिंग को अपग्रेड करने में या फिर बिल्ड करने में या फिर एक हीरो को अपग्रेड करने में। सो दिस मिथ इज कन्फर्म्ड। सो लेट्स मूव ऑन टू द 10th मिथ जो कि होने वाला है आखिरी मिथ। तो गाइस जो 10th वाला मिथ है वो है व्हेन यू क्लिक ऑन प्रिमल किंग्स स्किन द किंग विल स्क्रैच ऑन द ग्राउंड ट्राई इट। तो चलो गाइस टेस्ट करके देखते फटाफट से। तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास है प्रिमल स्किन एंड वो पहना हुआ है किंग ने। तो अभी मैं किंग को टैप करने वाला हूँ और देखूंगा कि क्या ये जमीन को स्क्रैच करता है या नहीं। सो एज अ रिजल्ट गाइस दिस मिथ इज आल्सो कंफर्म क्योंकि गाइस हमारा जो प्रिमल स्किन है किंग है जमीन को स्क्रैच करते हुए आ रहा है। तो गाइस दिस मिथ इज आल्सो कंफर्म। तो गाइस आज के वीडियो में सिर्फ इतनी ही। आपको ये सारे मिथ में से कौन सी मिथ सबसे ज़्यादा पसंद आई ज़रूर से कमेंट करके बताना। एंड गाइस अगर मैं आपको गोल्ड पास के ऊपर बताऊँ तो गाइस गोल्ड पास का गिव अवे चल रहा है चैनल पर। मैंने इस वाले वीडियो में जो कि थी मिथ बस्टर एपिसोड नंबर 2 में, मैंने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है कि भाई कैसे एंटर होना है, कैसे जीत सकते हो। और गाइस अभी आपके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारे चैनल पर ज़्यादा कमेंट्स नहीं आए। तो जल्दी से जाओ गाइस उस वीडियो पे और कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना चैनल को।
फटाफट से एकदम, और आप लोग जीत सकते हो एक फ्री गोल्ड पास। तो गाइस आगे बताना ये वीडियो आपको कैसे लगी, अगर पसंद आई तो गाइस लाइक जरूर करना। अगर आपको ऐसी अलग अलग एपिसोड्स और देखने हैं तो फटाफट से गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट कर देना कि भाई हाँ हमें देखनी है। तो गाइस मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तब तक के लिए प्ले गेम, स्टे कॉमेडियन, ऑलवेज बी कॉमेडियन, पीस आउट।